भाई राम राम सभी भाइयों को, और कैसे हो आप सब। विशाल बाबा कनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपका अपना विशाल बाबा। तो भाइयों आज अपना पपी जा रहा है कोची केरला, और भाइयों आज जाएगा फ्लाइट से, और फ्लाइट के बारे में आप लोगों को सब बताऊंगा जो वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। तो आप फ्लाइट में पपी कैसे जाता है कैसे नहीं, आज हमारा जा रहा है पूडल गोगा। और पहले भाई हम गोगा को नहलाएंगे, जो भी कस्टमर को हम पपी देते हैं ना भाइयों बिल्कुल नहला धुला के साफ सुथरा करके देते हैं, और अब नहलाऊंगा। गर्म पानी कर लिया है और आप देख सकते हो इसमें मैंने गर्म पानी कर लिया, क्योंकि भाई गोवा थोड़ा अपना 4-5 मंथ का है। आप देख सकते हो अभी कंडीशन कैसी हो रही है गोवा की, और जब नहलाऊंगा ना गोवा को जब देखना कितना मस्त लगेगा, कितना सुंदर लगेगा। और ये एक बाल्टी बहुत है गोवा के लिए, और ये गर्म पानी है आप देख सकते हो, मैंने इसमें गर्म पानी किया था, ये डाल दिया। अब देख लेते हैं भाइयों नॉर्मल हो गया नहीं, नॉर्मल हो गया भाई, नहीं तो क्योंकि कल बारिश हुई थी ना इस वजह से थोड़ा ठंडा मौसम था, तो इस वजह से हम गर्म पानी, और वैसे भी हम पप्पी के ना जो पप्पी को नहलाते हैं ना भाइयों गर्म पानी से नहलाते हैं। ऊपर डलेगा पानी गर्म, थोड़ा सॉरी नॉर्मल पानी डलेगा थोड़ा, ये देखो ये तो ठंडा भाई, ये मैंने गर्म पानी बनाया था ना आप लोगों को दिखाया था मैंने, नॉर्मल है अब बिल्कुल। और अब पानी डालते हैं भाई गोवा के ऊपर, और देखना फिर कितना सुंदर हो जाएगा। जो भी हम अपने कस्टमर को पप्पी देते हैं ना नहला धुला के देते हैं, काफ़ी अच्छा करके देते हैं, सेंट उंट मार के बिल्कुल। और भाई गोवा के ऊपर भी यही वाला शैम्पू यूज़ करेंगे, पहले भी मैंने आप लोगों को दिखाया था ओ माई डॉग का शैम्पू है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी साल से यूज़ कर रहा हूँ, और आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। और अभी दिखाता हूँ भाइयों आप लोगों को मिंकी, ये देख सकते हो मैंने मिंकी निलाई है अभी, क्वालिटी आप देख सकते हो हमारी मिंकी की, पूडल अल्टीमेट क्वालिटी, बहुत ही सुंदर क्वालिटी आप देख सकते हो, वाओ ब्यूटीफुल अमेजिंग। हेलो मिंकी कैसे हो, हाउ आर यू, अरे मेरे बच्चे भाई। ये देखो मिंकी मेरे पास आ गई है, और देखो अभी मेरी किस करेगी, किस करके दिखाओ बेटा, किस करके दिखाओ, किस नहीं करेगी आज, ओ आज भाई किस नहीं कर रही है, किस करके दिखाओ, गाल पे, गाल पे करो, गाल पे, हाथ पे नहीं, गाल पे करो मेरे बच्चे भाई, काफ़ी अच्छी लगती है मेरे को, मेरा बच्चा है ये भाई, मेरे को बहुत अच्छी लगती है मिंकी हमारी, वैसे सारे डॉग अच्छे लगते हैं मेरे को। हाथ की पानी पिएगी बेटा, अभी नहलाई है, आपको दिख रही होगी भाइयों क्वालिटी मिंकी की, मिंकी कूदना नहीं बेटा ऊपर से, छोड़ूंगा नीचे थोड़ी देर, रुक जा बस। भाइयों गोगा नहला दिया है, और आप देख सकते हो गर्म पानी से भी ठंड लग रही है इसको, इस वजह से हम भाई पप्पी होता ना तो गर्म पानी से नहलाते हैं, और देखो ये काँप रहा है गोगा, गर्म पानी से नहलाने के बाद भी काँप रहा है, क्योंकि भाई बच्चा होता ना उसको ठंडी लगती है, चाहे गर्म पानी हो चाहे ठंडा पानी हो, पर आप भी जब भी यूज़ करो ना गर्म पानी यूज़ करो पप्पी को नहलाए तो गर्म पानी से। और अभी आप देख सकते हो गोवा कैसा लग रहा है, अभी तो ऐसे ही लग रहा है भाई, और अभी ड्राई होने के बाद देखना कितना सुंदर लगेगा। चलो भाई अब टॉवल से पूछते हैं इसको। भाइयों गोवा का तो गांठ लगे हुई यार, इतनी सारी गांठ लगी हुई है यार, बस क्या करे, हफ्ते में एक बार नहलाते फिर भी इतनी ज़्यादा गांठ लग जाती है, बस क्या करे भाई समझ में नहीं आ रहा। चलो आपको दिखाते हैं भाई गांठ कितनी लगी हुई है गोवा को, ये देख सकते हो गोवा कितनी गांठ लगी हुई है, अभी ड्रायर चला के दिखाता हूँ आपको, ये मैंने मंदा ड्रायर चलाया है, देखो भाई कितनी गांठ लगी हुई है, ये देखो नीचे, और हम बिल्कुल सुलझा देंगे गांठ को, बिल्कुल आराम आराम तरीके से करोगे ना, कंजी करोगे आराम आराम से, तो बिल्कुल आराम से सुलझ जाएगी, और नहीं कि जो नहीं सुलझेंगे उसको हाथ से सुलझाते हैं हम। और आप देख सकते हो गोवा कितनी गांठ लगी हुई है, मैंने तो सोचा भी नहीं था यार इतनी गांठ लग जाएगी गोवा के हफ्ते में, क्या बताया यार कैसे लग गई, वो पप्पियों के साथ खेलता ना तो इस वजह से लग गई लगता है। चलो कोई नहीं अभी दिखाते हैं आप लोगों को बिल्कुल घाट छूला हुआ गोगा नहला दिया भाई, इतना सुंदर लग रहा है, इतना मस्त लग रहा है यार, देख के दिल खुश हो जाएगा आपका भी, इतना अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल जिसको बोलते ना ब्यूटीफुल, बहुत मस्त लग रहा है। आओ मिलाते हैं आपको गोगा से, ये देख सकते हो भाई गोगा हमारा अल्टीमेट क्वालिटी का गोगा, हाय हेलो कैसे है, ये देख सकते हो भाइयों एक भी गांठ नहीं रही गोवा को, देख सकते हो बिल्कुल। और अभी आपको कोम मार के भी दिखाता हूँ मैं, अरे तो कोम में आ जाती है गांठ जो भी हो जाती है, ये देखो एक भी गांठ नहीं है, एक भी जो कंघी अलझरियो कहीं भी देख सकते हो आप, कोम कहीं भी रुक नहीं रही है बिल्कुल, एक भी गांठ नहीं है गोवा को, जब भी निकल गई गांठ। और आपको भी बताऊँ गांठ निकालने का तरीका कैसे होता है, कंघी करे जाओ बिल्कुल, जहाँ भी गांठ है ना वहाँ पे, जैसे यहाँ पे गांठ है ऐसे आराम से करे जाओ, आराम से करे जाओ वहीं पे करे जाओ, थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी पर गांठ बिल्कुल खुल जाएगी, ये मत करो कि बाल तोड़ दो,
ठीक है। और अब चलते हैं भाई, गाड़ी में बैठ गए और अब भाई काफी टाइम हो गया है, 2 बजे तो मैंने बच्चा एयरपोर्ट पे देना है, भाई ने बोला था कि 2 बजे बच्चा पहुंचा देना और अभी 1:20 हो गया है और मैंने सीजर भी रख लिया है, सॉरी गोगा भी रख लिया है। और मैंने क्या बोलते हैं, आपको जब भी फ्लाइट में बच्चा देना होगा ना गाइस, क्या क्या यूज़ मतलब क्या क्या देना होगा सामान, एक तो भाई फ़्लाइट केज लगेगा, ठीक है ये फ़्लाइट केज है, और एक डॉग का हेल्थ सर्टिफिकेट लगता है ये वाला, ठीक है इसमें भाई डॉक्टर लिख देता है कि ट्रेवल्स सर्टिफिकेट, ये देख सकते हो आप, और डॉक्टर ने लिख रखा है कि डॉग फिट एंड फाइन है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। और जो फ़्लाइट में बच्चा जाता है ना वो जाता है 3 महीने से ऊपर जाता है, और एक आपकी लगेगी आधार कार्ड की फ़ोटो कापी, ठीक है इनकी आप लोगों को दो करानी पड़ेगी, इसकी 2 करानी पड़ेगी और आधार कार्ड की 2 करानी पड़ेगी, और इससे फिर आपका बच्चा चला जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये गोगा भाई बैठ गया है, आगे बिठा के लेके जाएंगे मस्ती से आराम से। इंडिया कार्गो में पहुँच गया हूँ और यहाँ पे गेट नंबर 1 है, यहाँ पे आधार कार्ड दिखाना पड़ता है और फिर एंट्री होती है, फिर वो एंट्री चढ़ाते हैं ना, यहाँ पे आधार कार्ड दिखाओ गेट नंबर 1 है देख सकते हो, यहाँ पे एंट्री करो। क्या नाम है अपना? ओम दत्त शर्मा। डॉग है ना आपके पास? हाँ जी हाँ जी। एयर इंडिया? हाँ जी हाँ जी। के कार्गो के अंदर आ गए हैं हम और ये पर्ची मिली है देख सकते हो आप, इसमें ये पर्ची से एंट्री होती है अंदर, और ये इंडिया कार्गो पहुंच गया हूँ भाई, बोला था 2 बजे, 2:40 हो गए हैं, बस क्या करें टाइम लगता है, काफ़ी दूर से आता हूँ भाई गांव से। अब लगा देते गाड़ी, पार्क कर देते हैं भाई, फटाफट जल्दी जाते हैं। काफ़ी लेट हो गए हैं और काफ़ी जल्दी में है, नरेश भाई है, किसे फोन पे पैसे डालने हैं? यहाँ पे ये फॉर्म मिलते हैं भाई, वो तो आप भी इसको भर सकते हो, और भाई हम तो नरेश से कराते हैं क्योंकि थोड़ा भाग दौड़ करनी पड़ती है, नहीं तो भाई ये कर लेते, ये देख सकते हो आप। तो ये भाई गोवा के पेपर है, ये गोवा के पेपर है गाइस, और ये भाई चीफ है गोवा की, और ये अनलिस्टेड फॉर्म भी भर दिया भाई, कल को वो भाई पेपर अप्लाई भी करा सके जब इसके बच्चे होंगे गोवा के कल को। और ये रहा भाई गोवा, ऐसे फ्लाइट केज में जाता है बिल्कुल, और जो बच्चा बड़ा होगा तो फिर फ्लाइट केज थोड़ा बड़ा लेना पड़ता है, और ये बच्चा छोटा बिल्कुल, जो बच्चा घूम गया ना इसे तो इतना बड़ा फ्लाइट केज लेना होता है, ये बच्चा बिल्कुल आराम से घूम सकता है इसमें, ये देखो बिल्कुल आराम से बैठा छोटा बिल्कुल, इतना बड़ा फ्लाइट केज चमकता बस। अब गोवा जा रहा है और अभी बिल्कुल बस लास्ट प्रोसीजर रह गया है, और अभी आप लोगों को दिखाते हैं, और यहाँ से फिर आगे नहीं जाने देते, यहाँ पे काफ़ी सामान होता ना तो इस वजह से आगे नहीं जाने देते, बस अब गोवा जा रहा है भाई, बांध दिया बिल्कुल पैक कर दिया, ये चला गया भाई गोवा, बाय बाय बेटा, कोचिंग के लिए गया भाई गोवा, और अब चलते हैं भाई। टेंशन फ्री हो गए हैं बिल्कुल भाई, ना तो टेंशन हो रही थी कि लेट हो गए ना, तो हमारे से नरेश भाई ने बोला था कि 2 बजे प्रगट हो जियो कति आज एयरपोर्ट पे,
फिर भी बस क्या करे, मैंने गाड़ी भी थोड़ी तेज चलाई वैसे सच बोलूँ तो, पर ये है भगवान ज़्यादा रोड खुले थे, जाम नहीं था, नहीं तो इतना जाम मिलता, मैंने सोचा जाम मिलेगा। फिर भाई भी गुस्सा हो रहे थे मेरे से कि तू जल्दी क्यों नहीं गया, जल्दी क्यों नहीं, भाई वो खाना वाना खाने लगा था तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया था, पर चलो कोई नहीं, भगवान ज़्यादा काम हो गया भाई। और आप लोगों ने देख लिया होगा मैंने कैसे फ़्लाइट में बच्चा पहुँचाया, कैसे नहीं, ठीक है। और भाई गोगा का प्राइस जो फ़्लाइट चार्ज लगा है ना, अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, ये लगा है 10,916 रुपये, ये देख सकते हो आप, दिख रहा होगा आपको, पास करके दिखाओ, दिख रहा ना, ये फ़्लाइट चार्ज लगा है गोवा का, और गोवा ही बिल्कुल आराम से चला जाएगा। और मैंने बोला था ना फोटोकॉपी लगेगी उसमें, सिर्फ मेरे पास एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी, एक हेल्थ सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी बच गई है, ठीक है। और अब भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूले, ठीक है भाइयों, राम राम।